राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी। जय सिया राम। इस वक्त हम वसुंधरा गाजियाबाद साईं धाम मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ पे भगवान राम की कथा चल रही है, काफ़ी रसमय और संगीतमय कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ है। और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं श्रद्धेय श्री दीपक व्यास जी महाराज जी, जो इस कथा को कह रहे हैं। और स्वागत है आपका व्यास जी महाराज जी। आज हम आपसे जानेंगे खास करके हनुमान जी की महिमा के बारे में। आम तौर पे तुलसीदास जी ने तो लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, और सब सुख लहे तुम्हारे सरना, ये भी कहा है। यानी सुखों की दो बार बात की गई है। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या इस कलयुग में हनुमान जी की आराधना से सब संभव, यानी असंभव भी संभव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी। यदि अटल विश्वास है तो हनुमान जी हर जगह उपस्थित रहते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं है जो हनुमान जी ना दे सके। सब सिद्धियों के दाता हैं, नव निधियों के प्रदाता हैं। इनको साक्षात श्री माँ जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है। सब सिद्धियों के, सब अष्ट निधियों के ये प्रदाता हो जाएं। करौं रघुनायक बहुत छोहु, तुम पर रघुनायक बहुत कृपा करें। और आप तो जानते हैं जिनके ऊपर पिता का हाथ होता है वो चाहे कुछ भी कर सकता है, और इनके ऊपर तो माता जी का भी हाथ है। तो अष्ट सिद्धि नव निधियों के प्रदाता हैं। दूसरा, कलयुग में अगर कोई एकमेव इष्ट हैं, भगवान हैं जिनको आप प्रकट कर सकते हैं, क्या तो श्री गंगा जी हैं या श्री हनुमान जी हैं। जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है वो किसी न किसी अदृश्य रूप में कथा के मध्य श्रोता रूप में बैठते हैं, और ये उनकी उपस्थिति का ही नतीजा है, परिणाम है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी कैसे धर्म का सामंजस्य वो बना रखकर चल रहे हैं। नहीं, घनघोर कलयुग में जब अनेक दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे धर्म पर कुक्षित आरोप लगाते हैं, हनुमान जी के ऊपर दुष्प्रचार करते हैं कि ये तो दलित थे, ये तो वो थे, ऐसी विडम्बन परिस्थितियों में अगर कोई शुभ, कोई पवित्र विचार है जो हमारे मस्तिष्क को ठीक कराए, तो वो एक में श्री हनुमान जी हैं। क्यों? ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो गुणों के निधान है, जो सुखों की खान है, वो एक में श्री हनुमान जी हैं। प्राते ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। इसमें आहारा बोला है, आहार को नहीं बोला। आहार क्या है? आहार आँखों से क्या ले रहे हैं हम, नेत्रों से क्या ले रहे हैं, कानों से क्या ले रहे हैं, ये आहारा है। आहार क्या है? जो ऋषि मुनि, जो कंदमूल, जो जंगल में हमारे साधु संत करते हैं, जो मंदिर में हम भगवान का भोग लगाते हैं, जो रसोई में हम सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, उसको बोला है हनुमान जी ने आहारा। कि कम से कम जिस दिन शनिवार मंगलवार का मेरा दिन होगा, आप उस दिन तो आहारा से बच सकते हो। बाकी तो बचना बड़ा मुश्किल है। होटल संस्कृति हो रही है, हमारे परिवार बच का रहे, हम बच नहीं रहे। जी जी। तो श्री हनुमान जी कैसा है? आज भी जनमानस को श्री हनुमान जी का बहुत भय है। साक्षात श्रीधाम बालाजी आप जाइए, अच्छा आपको आज ही मिलेगा कि हाँ वहाँ पर कुछ है। मतलब वो अनुभूति आपको, अनुभूति है। आप कुछ मत करिए, केवल सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड के पाठ से ही आपको अनुभूति हो जाएगी कोई हमारे पीछे है। उसका नाम ही सुंदरकांड है, भक्ति से भगवान को मिलाने वाला कांड, सुंदरकांड। शांति का कांड, शुद्धि का कांड, भक्ति का कांड, परमात्मा की विभूति को प्रकटाने वाला कांड, इसको बोला गया सुंदरकांड। ये अलग है इसमें। तो हनुमान जी कलयुग के एक में वैसे देवता हैं, वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। जी महाराज जी, आप तो तपोस्थली ऋषिकेश से यहाँ पे पहुँचे हैं जी। आमतौर पे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हनुमान जी की हम कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे प्रसन्न करें हम हनुमान जी को। आप कुछ मत करिए, केवल चार चौपाई हनुमान जी को सुना दीजिए जो आप सरलता से बोल सके। वो भी ना बोल सके तो एक चौपाई है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं है। हनुमान जी महाराज, जब तक हमारे जीवन में किसी गुरु का पदार्पण नहीं होता है, तब तक आप हमारे ऊपर गुरु की तरह कृपा कीजिए। आप ये बोल सकते हैं। एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब हुई। आप ये बोल सकते हैं।
दीन दयाल विरत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने बोला है कि आप मेरे संकट दूर करिए, आपने जानकी जी के संकट दूर करे, पुनः भगवान को जानकी जी को भगवान से मिलाया, ये बोल सकते हैं। जो आप सुगंधा से आप, या ये भी ना हो तो जय विधि नाथ हो हित मोरा करौ सो बेगी दास में तोरा। हे महाराज मैं आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर कृपा, जो चौपाई आपको याद आ जाए केवल एक चौपाई भाव से, एक चौपाई भी कंठस्थ हो जाएगी, जीवन मंगल में बन जाएगी। तो महाराज जी एक सवाल हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, जहाँ के भी महात्माओं से मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि आपने देखा भी नानक दुखिया सब संसार का हाल है। बिल्कुल, एक महिला आई थी, वो भी कुछ अपना दुख प्रकट कर रही थी आपके सामने। जी, आमतौर पे होता है कि जो लोग साधना में रहते हैं कई बार जी, तो विलंब होता है फलाफल में, तो कई बार उनका धैर्य चूकने लगता है जी। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, घनघोर जब तक अंधेरी रात नहीं होगी उसके बाद उजाले का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, सुख की अनुभूति का आप क्या लाभ पाएंगे? पहले जीवन में संकट आते हैं और परीक्षा उसी की होती है जो देने के लायक होता है, जो असल विद्यार्थी होता है, जो कठोर परिश्रम करता है, उसी की नंबर सबसे क्लास में आगे आते हैं। जो नकल से पास होता है वो विद्यार्थी थोड़ी है, दुख तो उसी को मिलेगा जो परमात्मा का निकट होगा, जो निजी होगा, तभी तो वो आगे प्रोग्रेस करता है। ऐसा क्यों? दुख तो आएंगे, सोने को तो तपना ही पड़ता है, सोना तो कंचन तो तभी बनेगा ना जब वो तपेगा। ऐसे ही मनुष्य भक्त को तो तपना ही पड़ेगा, सूरज को तो तपना ही पड़ेगा, तभी तो प्रकाश होगा। आखिरकार इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये, परिणति क्या होगी? परिणति ये होगी कि वो जहाँ भी रहेगा वो तो सुखी रहेगा, दूसरों को भी सुख और आनंदित बिखेरेगा, दूसरों के भी जीवन में शांति देगा। यानी कहने की तात्पर्य है कि आप साधना में रत रहें, जो लोग लगे हुए हैं जी, और जो आखिरी परिणति होगी वो सुखदायक होगी, सुखदायक होगी कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपने कथाओं में जिक्र भी किया था कि भगवान राम के सामने किस प्रकार से ताड़का जी का उन्होंने वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया जी, यानी जो बाधाएं आती हैं वो खत्म होती है। इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि जो लोग साधना में है तो पहले कुछ बाधाएं आएंगी, उसको पार करना है। बिल्कुल, पहले जीवन में बाधाएं आती हैं, उसके बाद भगवान की कृपा आती है। पहले बाधाएं आएंगी जीवन में, पहले दुराशा आएंगी, पहले निराशाएं आएंगी, लेकिन आप यदि अपने साधन पर रहे तो कोई ना कोई भगवान कृपा का ऐसा बाण चला देंगे, आपका यज्ञ की अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाएगी जो बुझी हुई है। आपकी जो साधना की अग्नि ठंडी हो चुकी है फिर वो प्रज्वलित फिर किसी दिन हो जाएगी, अगर आप मार्ग में डटे हुए तब। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। और अभी तो कथा आपकी चल रही है जी, जी, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हनुमान जी की साधना को लेकर कुछ अन्य जानकारी भी यहाँ भक्तों से साझा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।